इतनी भारी संख्या में बरसाना की होली में उसका साक्षात दर्शन करने के लिए यहां पर उपस्थित सभी उपस्थित श्रद्धालुजन, आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको होली की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। कितने हम गौरवशाली हैं, आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण और श्री राधे जी का प्राकाट्य इस धराधाम पर होता है और कितनी समृद्ध हमारी परंपरा है कि हमारे पूर्वजों ने उस समृद्ध परंपरा को आज भी उसी संजीदगी के साथ, उसी जीवंतता के साथ सजो करके रखा है। और यहां तो कण कण में हम बांके बिहारी का, राधे जी का दर्शन पाते हैं। पूरी दुनिया टूट पड़ती है यहां की पवित्रता को लेकर के, यहां की सात्विकता को लेकर के, यहां के वैष्णव भाव को लेकर के, यहां की भक्ति को लेकर के, और उस भक्ति की शक्ति का एहसास पूरी दुनिया करता है। 3 वर्ष के आसपास हुए जब उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हम लोगों के सामने था कि हमें विकास तो करना ही है, लेकिन अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और दुनिया की सबसे प्राचीन और सबसे समृद्ध परंपरा सांस्कृतिक व्यवस्था के लिए हमें क्या कुछ करना है। तो मेरे मन में इस बात को एक टीस लगी रहती थी। जब हम लोग मंत्रिमंडल की हमारी बैठक हुई तो श्रीकांत जी ने, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी ने, हमारे माननीय विधायकों ने, इन सब ने एक बात को कहा, और इन्होंने इस बात को कहा कि क्या हम लोग ब्रज क्षेत्र में जो हमारे सभी पवित्र स्थल हैं इन्हें तीर्थ बना सकते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं, ये तो बनने ही चाहिए, तीर्थ हैं ही, लेकिन इन्हें शासकीय मान्यता भी मिलनी चाहिए। और इसी को लेकर के हमने मथुरा को, वृंदावन को, बरसाना को, बलदेव को, गोवर्धन को, गोकुल को, इन सभी को, उन सभी 7 पवित्र स्थलों को तीर्थ के रूप में बना करके और ब्रज तीर्थ विकास परिषद के नाम पर एक संस्था का भी गठन किया कि यहां की आध्यात्मिक, यहां की सांस्कृतिक, यहां के बौद्धिक विकास की कार्य योजना को आगे बढ़ाया जा सके। और इन जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के परम वैष्णव श्री सहजा कांत मिश्र जी को इसका दायित्व दिया गया कि वे जाकर के पूज्य संतों का आशीर्वाद लें और वहां के भौतिक विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना प्रारंभ करें। मुझे बहुत प्रसन्नता है, मैं बहुत दिनों से सोचता था कि क्या राधा रानी जी के दर्शन हो पाएंगे। मैं 2 वर्ष पहले भी आया था लेकिन इतनी भीड़ थी कि मैंने उचित नहीं समझा जा पाना। ये मैंने अपने गर्भभाव थे, लेकिन आज्ञा तो राधे रानी की ही थी कि मैं वहां इस समय ना आऊं, क्योंकि भक्तों को परेशानी हो सकती है। विगत वर्ष इच्छा थी लेकिन चुनाव की घोषणा हो गई, नहीं आ पाया। लेकिन इस बार पिछले 1 महीने से चौधरी लक्ष्मी नारायण जी पता नहीं कितनी बार बोले होंगे, मेरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य जनपदों में कार्यक्रम था और उन कार्यक्रमों को संपन्न करने के साथ ही मैंने वहां से कल ही सुबह संदेश भेजा कि नहीं, मैं कल आना चाहता हूं, क्योंकि रंगोत्सव का कार्यक्रम लठमार होली की जो दुनिया के अंदर विख्यात है,
वह होली चार को है, मैं तीन को ही राधे रानी का दर्शन कर लूं। और भाइयों बहनों, आज मैं आपके बीच यहां पर आया हूं क्योंकि ये हम सबकी विरासत है। दुनिया के अंदर हम सब ने अपनी इसी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, दुनिया को दिखाया है। इतनी गौरवशाली परंपरा, इतनी समृद्ध परंपरा, 5000 वर्षों में बिना किसी सरकार के सहयोग के, बिना किसी अन्य सहयोग के, यहां की श्रद्धा में, यहां की भक्ति में श्री राधा श्री कृष्ण का वास हो गया। और देखते ही देखते पर्व हम सबके आध्यात्मिक के साथ साथ सांस्कृतिक पर्व बन करके हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। 5000 वर्ष दुनिया के अंदर किसी के पास इतनी समृद्ध परंपरा नहीं जितना हमारे पास है। इसलिए यहां की ब्रज की परंपरा के प्रति हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए और उसी गौरव की अनुभूति में सहभागी बनने के लिए आज मैं विनम्र भक्त के रूप में आप सबके बीच में, आपके बीच यहां उपस्थित हुआ हूं। राधे रानी के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हुआ है। मेरा प्रयास है कि आज जन्म भूमि में भी दर्शन करूंगा और वहां भी दर्शन होने चाहिए। ईश्वर की कृपा ऐसी बरस रही है कि एक एक करके सारी समस्याओं का समाधान होता जा रहा है। यानी ऐसे लगता है जैसे भगवान ने सैकड़ों वर्षों के सारे कार्यों का समाधान मोदी जी के और मेरे ऊपर दे दिया हो कि हम लोग ही इन समस्याओं का समाधान करके निकले आए। कितनी अच्छी अनुभूति हुई जब 3 वर्ष पहले हम लोगों ने अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम दीपावली के दिन किया था। पूरी दुनिया उसके साथ जुड़ी थी, पूरी दुनिया ने उसको हाथों हाथ लिया और हाथों हाथ लेने का परिणाम भाव कितने मजबूत होते हैं, उन भावों की ताकत को आप एहसास करिए। देखते देखते 500 वर्षों की समस्या का समाधान एक झटके में हो गया। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। यह है भक्ति की ताकत, यह है भक्ति की ताकत। और 2 वर्ष पहले मुझे सौभाग्य मिला था इसी स्थान पर आने का और रंगोत्सव के कार्यक्रम को हम लोगों ने कहा कि अयोध्या में दीपोत्सव तो बरसाना में रंगोत्सव, काशी में देव दीपावली क्योंकि देवाधिदेव महादेव हैं वहां देव दीपावली होगी, प्रयाग में कुंभ, शक्तिपीठों में सभी प्रकार के हमारे शक्ति से जुड़े हुए अनुष्ठान, दोनों बासंतिक नवरात्र और शारदीय नवरात्र के कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ और गंगा और यमुना मैया की आरती के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना। भाइयों बहनों, आप देखते होंगे गंगा की अब निर्मलता में हमने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। इस बार आप देख रहे होंगे बरसाना में भी, इस नहर में भी पानी आ गया है और प्रयास होना चाहिए कि आगामी 2 वर्ष के दौरान यमुना जी की निर्मलता भी गंगा जी की तरह ही हो जाए और इसके लिए सबको प्रयास करना चाहिए। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, ये हमारी पहचान है। ये केवल नदी नहीं है, इनके साथ हमने मां का संबंध जोड़ा है। एक आत्मीय भाव हमने जोड़ा है जिस भाव ने हम सबको जीने की प्रेरणा दी है, आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, विपरीत परिस्थितियों में जूझने की प्रेरणा दी है। और इसलिए इन सभी समृद्ध परंपरा के प्रति हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। मैं आज यहां पर पूज्य संतों के सानिध्य में
अपने दोनों सहयोगी मंत्रियों जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के इसीलिए आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, विकास के किसी कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा आड़ी नहीं आएगी। याद करना, एक जो बड़ा कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है और वह कार्यक्रम है कि हम सब शुद्ध पेयजल की आपूर्ति इन सब क्षेत्रों में कर सकें, लेकिन जल संचयन का भी एक बड़ा कार्यक्रम होना है। एक खारा पानी जो ब्रज क्षेत्र का दिखता है, अगर हम व्यवस्थित तरीके से कार्य योजना बना लें तो ये पानी खारापन दूर हो जाएगा, सब पानी मीठा हो जाएगा, सारा पानी यहां का मीठा हो जाएगा और उसको मीठे बनाने की प्रक्रिया के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। जल संचयन के लिए अधिक से अधिक तालाब का पुनरुद्धार करना, उनको बनाने की प्रक्रिया के साथ जोड़ना, यमुना जी की निर्मलता के बाद ये जितने भी तालाब हैं इन तालाबों को मीठे जल के साथ जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ाना एक बहुत बड़ा कार्य है। और मैं आह्वान करूंगा कि आज जब हम बरसाना में हैं तो हम सबको इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना है कि यमुना जी की निर्मलता के लिए भी हमें कार्य करना है और साथ ही साथ यहां के खारा पानी की समस्या का समाधान भी हमें स्वयं मिलकर के आगे बढ़ाना है। पानी का खारापन दूर होगा तो भाइयों बहनों अच्छी फसल उगेगी यहां पर। ये तो आप देख रहे होंगे कितना बड़ा कार्य हुआ है। अभी हम लोगों ने गोवर्धन जी की परिक्रमा के लिए 177 करोड़ रुपए की एक परियोजना को अपनी स्वीकृति दी है। ब्रज क्षेत्र तीर्थ विकास के लिए भी बड़ी कार्य योजना को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं। आपदा को रोकने के लिए 18-19 में यहां के किसानों की फसल नष्ट हो गई थी, 123 करोड़ रुपए की आपदा राहत निधि यहां के किसानों में वितरण करने का कार्य हुआ। और विगत वर्ष भी, इस वर्ष भी फसल को जो नुकसान हुआ था उसके लिए भी हम लोग 57 करोड़ रुपए अब तक भेज चुके हैं कि भाई जो भी किसान को नुकसान हुआ है ये हमारा अन्नदाता है, उसकी भरपाई सरकार करेगी, सरकार उसमें सहयोग करेगी। भाइयों बहनों, कहीं भी कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। जो बात श्रीकांत जी ने कही, जो बात चौधरी लक्ष्मी नारायण जी ने कही, हम सब उसके साथ जुड़े हैं। मैं धन्यवाद दूंगा ब्रज क्षेत्र के सभी श्रद्धालुजनों को, सभी पूज्य संतों को जिन्होंने गो रक्षा का भी बहुत अच्छा काम किया है। अभी हम जा रहे हैं रमेश बाबा की गौशाला में, 50,000 से अधिक गोवंश है वहां पर। गोमात की सेवा कैसे होनी चाहिए, यही तो है। गौ माता की सेवा करने से ही हमारे बांके बिहारी गोपाल कहलाए, तो हम सबको तो इस भाव के साथ और भी जुड़ना चाहिए। हमारी ये गौ माता न कसाई खाने जाएगी, न सड़कों पर लाठी खाएगी। हम इसके लिए अच्छे आश्रय स्थल बनाएंगे, इनकी सेवा करेंगे, इनकी देखभाल करेंगे और फिर दूध और घी की नदियां बहाने का कार्य भारत की धरती से करेंगे। दुनिया के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए 11 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे। आज दुनिया के अंदर भारत के दूध की और दूध से बने हुए उत्पाद की मांग क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे देश में अभी भी गोवंश में खुरपका और मुंहपका बीमारी है और इस बीमारी को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए ही 11 सितंबर 2019 को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसी धरती पर आए थे और इसी जनपद से उन्होंने पूरे देश के अंदर खुरपका और मुंहपका की बीमारी को समाप्त करने के लिए एक बड़े अभियान को अपने हाथों में लिया। हम सब भी इसमें सहभागी बने, हर जनपद को हम दवा भेज रहे हैं, वैक्सीन भेज रहे हैं। हर गोवंश को एयर टैग करना है, एक टैग लग जाएगा
और उसके अनुसार फिर हम चिन्हित करेंगे कौन सा ऐसा गोवंश है जिसको हम लोगों ने दवा नहीं दे पाए। एक बड़ा कार्यक्रम है, हमारी सरकार ने भी तय किया है, निराश्रित गोवंश के लिए गो आश्रय स्थल हम बनाएंगे। अगर किसान अपने घर में निराश्रित गोवंश की देखभाल करेगा तो उस किसान को हर गोवंश के लिए हर महीने 900 रुपये सरकार अपनी तरफ से देने का कार्य करेगी, यानी एक एक करके जोड़ने का कार्य। क्योंकि हमारा संकल्प है कि जिस गो माता की सेवा हमारे बांके बिहारी ने की है और जिस गो माता के कारण कृष्ण, केवल कृष्ण नहीं राधा कृष्ण बन पाए हैं, उस गो माता को न कसाई खाने जाने देंगे, न सड़क पे लाठी खाने देंगे। उस गौ माता की रक्षा भी करेंगे, उसका संरक्षण भी करेंगे, उसका संवर्धन भी करेंगे और इस प्रक्रिया के साथ हम सब जुड़ेंगे। इस भाव के साथ मैं आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। कितना अच्छा यहां पर प्रस्तुति, अभी यहां पर ब्रज क्षेत्र की भी और बुंदेलखंड की भी होली का किया गया। अभी प्रधानमंत्री जी आए थे चित्रकूट में, लगभग 500 मीटर वे पैदल चले थे क्योंकि एक कलाकार वहां पर थे और कलाकारों के द्वारा वहां पर ब्रज क्षेत्र का मयूर नृत्य था, देख रहे थे उस समय। और यही नहीं अभी अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे आगरा में, और आगरा में आकर के जब मयूर नृत्य को उन्होंने देखा तो लगभग 10 मिनट तक उसको निहारते रह गए। ये है हमारी कला, ये है हमारी संस्कृति। दुनिया के सामने जब ये प्रस्तुत होती है तो पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर देती है। यही भारत की ताकत है, ये राधे रानी की ताकत है, ये बांके बिहारी की ताकत है, और इस ताकत को संभाल के रखिए। आप चिंता मत करिए, जो बात यहां पर चौधरी साहब ने कही है उसका भी समाधान होगा। आज रंगोत्सव का कार्यक्रम है, मैं आपके रंग में भंग नहीं डालना चाहता, रंग में खूब रंगोत्सव का कार्यक्रम करिए, खूब खेलिए होली। होली के बाद यहां के कार्यक्रमों के उद्घाटन शिलान्यास के लिए भी आ रहे हैं, बड़े कार्य योजना के साथ हम लोग मथुरा वृंदावन और इस क्षेत्र में आ रहे हैं, सारी समस्याओं का समाधान करके जाएंगे। आप सबको मैं रंगोत्सव का होली की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। होली का यह उत्सव पूरे प्रदेशवासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए उत्साह का, खुशहाली का और एक समृद्ध भविष्य का कारण बने, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं।